ये पेटूनिया मर्लिन है, ब्लू मॉर्न, और उसके सामने वाला जो है मर्लिन रेड मॉर्न। ये रेड वाले फ्लावर जो हैं ये प्रिज्म रेड है। ये पूरा बेड आप देखें, आइए बाकी का गार्डन भी देखते हैं। ये वर्बीना है और कटिंग के थ्रू होता है, बीच से नहीं लगता। काफी खूबसूरत पौधा है, पेरिनियल है, सारा साल रहता है, किसी भी वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। सर्दियों में फूल जरा बेहतर आते हैं। ये कैलेंड्यूला है और ये लोकल वैरायटी है, इसलिए इसके फूल थोड़े छोटे हैं और ज्यादा दिनों तक भी नहीं रहते, लेकिन बहरहाल खूबसूरत पौधा है। ये एक्टिनिया है, बेबी सनरोज कहलाता है। इस वक्त हमने इसको थोड़ी सी नाइट्रोजन डाली हुई है तो लीव्स की ग्रोथ ज्यादा हुई हुई है, फ्लावर्स अभी नहीं है। कुछ अर्से बाद ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा, तो प्रोफ्यूज फ्लावरिंग करेगा। ये कुछ स्टॉक्स लगाए हुए हैं, गोल्ड कट वैरायटी है और देखते हैं, अभी तो काफी बेहतर बढ़ रहे हैं, काफी खुशबू होती है इसमें रात में। ये आइस प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस वक्त, छोटे छोटे गमलों में लगाया है, गमलों में लगाने से ज्यादा बेहतर चलता है। ये धूप में इसके फूल खिलते हैं, सुबह खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। बेबी सनरोज को हमने अभी कुछ अर्से पहले नाइट्रोजन दिया है, अभी आहिस्ता आहिस्ता अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ द्वारा बेहतर करेगा। कुछ इसके अंदर फूल खिले हुए नजर आ रहे हैं। ये स्टॉक का दूसरा बेड है, गोल्ड कट सीरीज का स्टॉक है ये।